गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीन पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में चलने वाला साधन। ठीक है, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स मूव ऑन वाटर ओनली। कुछ साधन होते हैं यातायात के जो सिर्फ पानी में चलते हैं, जैसे ships and boats move on water। ship और boat जो होती है वो सिर्फ पानी में चलती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पेज, फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस रिवर्स एंड लेक पीपल यूज बोट्स। नदियों को पार करने के लिए, झीलों को पार करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं? बोट्स का यूज करते हैं। ship are used to carry a large number of people and goods from one कंट्री टू अनदर कंट्री। शिप जो होती है वो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और सामान को भी एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए यूज की जाती है। क्योंकि ये सिर्फ पानी में चलती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले यातायात। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो होती है, एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। वी कैन रीच फार ऑफ प्लेसेस इन अ शॉर्ट टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए हम बहुत दूर तक बहुत छोटे समय में, कम समय में पहुंच जाते हैं। एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट। एरोप्लेन जो होते हैं वो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं। हेलीकॉप्टर इज आल्सो अ मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर जो होता है वो भी हवा वाले यातायात का एक साधन है। देखो, है ना, सी प्लेन, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ये कैसे हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। इस लेसन को आपने रीड करना है अच्छे से। जब आप रीड कर लेंगे इस लेसन को, आपने ये पिक्चर का जो बुक वर्क दे रखा है इसमें आपने लैंड ट्रांसपोर्ट के नेम ढूंढ के इधर लिखने हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के नेम इधर लिखने हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट के नेम इधर लिखने हैं। तो ये आपने अपने आप करना है। ओके, गुड बाय।